वर्मा ने हिजाब विवाद पर बयान दिया है। कहा है कि स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए होते हैं, ना कि फैशन शो के लिए। यूनिफॉर्म से बराबरी आती है। और इस मामले में जिस तरह से सियासत गरमा रही है, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा का ये नया बयान। थोड़ा तीन दिन का पहले से, तीन चार दिन आप सुन रहा होगा कि कर्नाटक में कोई बच्ची लोग ने शुरू किया कि स्कूल में कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी पहने, लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। पीआईएफ जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है, और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश मैं भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।